मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि निक्कर पहनने से कोई भी धार्मिक नहीं बनता। वहीं इस दौरान उन्होंने इन्वेस्टर्स समेत और हनी ट्रैप सीडी वाले मुद्दे पर भी बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, मैंने भी देखा इन्वेस्टर समिट में आए लोग शिकायत कर रहे हैं, एनआरआई नाराज हुए, दुख की बात है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को कौरव से तुलना करने पर बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निक्कर पहनने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। वहीं उन्होंने जोशीमठ को लेकर कहा कि योजना बनाने से पहले जांच करना था। राहुल गांधी जी ने जो तुलना करी है उन्होंने कौरव से नहीं करी, उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो किस आधार पर ये कह रहे हैं। और धार्मिक केवल निक्कर पहन देने से नहीं बनते, मैं भी धार्मिक हूँ, मैं निक्कर नहीं पहनता। हाँ, अगर हम भी कोई मंदिर जाते हैं, कोई ठेका, बीजेपी और आरएसएस का तो ये रूप है कि वो कहते हैं हमारी एजेंसी है, धर्म की एजेंसी हमने ली हुई है, धर्म की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें ली हुई है। हम अगर कोई धार्मिक आयोजन कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो बीजेपी के पेट पर दर्द होने लग जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने हनी ट्रैप की सीडी वाले मुद्दे पर कहा कि 1 मिनट 30 सेकंड का वीडियो मुझे अफसरों ने दिखाया, मैंने 30 सेकंड देखा, 14 तारीख को मुझे एसआईटी का जवाब देना है। मैंने कहा पेन ड्राइव देखिए, मैं कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता जिससे प्रदेश की बदनामी हो। कमलनाथ ने कहा गोविंद सिंह के पास सीडी है या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्हें बीजेपी ने सीडी दी हो। वहीं उन्होंने करनी सेना के आंदोलन के बारे में कहा कि करनी सेना की बात तो सुनो, उनसे मीटिंग करो, अधिकारी मीटिंग करें, मुख्यमंत्री मीटिंग करें, यह आंदोलन सरकार के खिलाफ है, वह चाहे तो हमसे बात करें, कांग्रेस का ऐसे आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा जब मेरी सरकार बनेगी तो सबकी रिपोर्ट लूंगा, डरा नहीं रहा हूँ, बीजेपी के पास जनाधार नहीं बचा है। वहीं खंडवा से आतंकी गिरफ्तारी पर उन्होंने बोला कि अच्छा है, सभी आतंकियों को गिरफ्तार होना चाहिए। उन्होंने मुझे अपने लैपटॉप में दिखाया था, लैपटॉप में माने 1 मिनट 30 सेकंड, तो मैंने कहा ये पहले चेक करिए, ये मैं देखना चाहता, ये चेक करिए कि ये सही है। गोविंद सिंह जी को उन्होंने दी होगी या बीजेपी वालों ने दी होगी? अरे भाई, पेन ड्राइव अगर मेरे पास होती, हाँ, मैं तो पहले तो रखना ही नहीं चाहता था। मैंने तो उन्हें कहा और इंक्वायरी करो, पेन ड्राइव लेके मैं करता क्या? जब मैंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें प्रदेश की बदनामी हो, और आप और चेक करिए, क्यों आजकल कोई भी किसी प्रकार की पेन ड्राइव बना लेता है, आप उनको कहिए वो आपकी बना लाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।